बाइक से 450 किलोमीटर का सफर कर दुल्हन को घर लाया दूल्हा। सज धज कर मंडप पर बैठी थी दुल्हन, तभी बाइक लेकर पहुंच गया दूल्हा। दुल्हन का जोड़ा पहन जब बाइक से दुल्हन पहुंची दूल्हे के गांव, तो गांव वालों ने किया गजब का काम। किसी ने क्या खूब कहा है, इश्क वो बला है जिसको छुआ इसमें वो जला है। दिल से होता है शुरू पर कमबख्त सिर पे चढ़ा है। इश्क एक ऐसी आग है जो एक बार धधक जाए तो बुझाए नहीं बुझती। बिहार के रहने वाले नवल के दिल में भी इश्क की कुछ ऐसी ही चिंगारी सुलगी जो सीधा वाराणसी पहुंचकर बुझी। अपने प्यार को पाने के लिए बिहार का एक युवक बाइक से 450 किलोमीटर दूर वाराणसी पहुंच गया और बाइक से ही अपनी दुल्हन को शादी के मंडप से उठाकर बिहार ले आया। इस प्रेम कहानी में अपने ही विलन हैं, न गलती मनीषा ने की न गलती नवल ने की। जब बीच मंडप से नवल मनीषा को उठाकर भागा तो सभी हक्के बक्के रह गए। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी तो शुरुआत हुई है जिसमें कई सारे ट्विस्ट हैं। इस प्रेम कहानी की शुरुआत करते हैं बिहार के भागलपुर के रहने वाले नवल से। नवल बिहार के भागलपुर जिले का रहने वाला है। वहीं नवल की प्रेमिका मनीषा वाराणसी की रहने वाली है। इस प्रेम कहानी की शुरुआत आज से करीब एक साल पहले हुई थी, जब इनके दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार उमड़ा। दरअसल मनीषा नवल की मुलाकात सोशल नेटवर्किंग साइट पर वीडियो कॉल के जरिए हुई और ये मुलाकात प्यार में बदल गई। फिर उन्होंने अपनी अपनी पसंद घर वालों को बताई, घर वाले भी मान गए और धीरे धीरे ये प्यार अरेंज मैरिज में बदलता चला गया। नवल और मनीषा की शादी घर वालों ने तय कर दी। दोनों की शादी को लेकर घर में पूरी तैयारियां थीं, खरीदारी से लेकर रस्म और रिवाज तक पूरे कर लिए गए थे। अब बस बारात लेकर आने की देरी थी। नवल के नाम की मेहंदी लगाए मनीषा अपने दूल्हे राजा का इंतजार कर रही थी, तभी शादी के ही दिन मनीषा के घर में कुछ अप्रिय घटना घट गई, जिस कारण बारात को आने से रोक दिया गया। ये शादी नहीं हो सकी। दिन बीतते गए, मनीषा और नवल की शादी की बातचीत का सिलसिला जारी रहा। शादी की डेट तो कैंसिल हो गई, लेकिन नवल मनीषा से इस दौरान मिलने के लिए जाता रहा। कुछ महीने के बाद मनीषा नवल की शादी के लिए फिर से एक नई तारीख निकाली गई। पहले की तरह इस बार भी शादी के लिए सारी रस्में हुई, लेकिन अचानक फिर से उसी दिन घर में एक ऐसी अनहोनी हुई जिससे इनकी शादी फिर से नहीं हो पाई। दो बार शादी कैंसिल हो जाने के कारण मनीषा के घर वालों को डर सताने लगा। मनीषा के घर वालों का कहना है कि नवल से अगर शादी होती है तो उनके घर में हमेशा कोई ना कोई अप्रिय घटना घटती रहेगी। इन्हीं अशुभ कारणों को लेकर मनीषा के घर वाले नवल से उसकी शादी कराना नहीं चाह रहे थे। इस दौरान उन्होंने मनीषा की शादी कहीं और तय कर दी। अब मनीषा की शादी किसी और के साथ हो रही थी। मनीषा दुल्हन बनकर बैठी थी। दूल्हा मनीषा की मांग में सिंदूर भरने ही वाला था कि तभी इसकी खबर नवल को लग गई। नवल अपनी प्रेमिका को पाने के लिए मोटरसाइकिल से वाराणसी निकल गया। वो कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, जोड़ी ऊपर वाला ही बनाकर भेजता है, और यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। वाराणसी पहुंचकर नवल सीधा मनीषा के पास गया। बीच मंडप में जाकर मनीषा का हाथ थामा। मनीषा भी उठकर नवल के साथ चल पड़ी। मनीषा दुल्हन का जोड़ा पहने बाइक पर बैठी और नवल के साथ भागलपुर पहुंच गई। भागलपुर पहुंचकर प्रेमी जोड़े ने मंदिर में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी कर ली। अब दोनों शादी के बाद काफी खुश हैं। नेशनल डेस्क, न्यूज़ लाइफ, बिहार।